हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक नया कंसेप्ट जिसका नाम है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। तो हम इसका एक छोटा सा डेरिवेशन है उसको देखते हैं। अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ क्या होता है हमें पता है, एफ इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन इंटू क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। ये जो फोर्स दिया हुआ है वो एयर या वैक्यूम के प्रेजेंस में है, मतलब कि ये जो फोर्स एक्ट हो रहा है दो चार्जेस के बीच में, उनके बीच में जो मीडियम है वो एयर या फिर वैक्यूम है। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब हम आगे बात करते हैं, एफ डैश मतलब कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू वन इंटू क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। अब हम यहाँ पर एक एक्स्ट्रा टर्म देख रहे हैं जो कि के है। के जो है वो किसी और मीडियम को रिप्रेजेंट करता है। बेसिकली के एक कॉन्स्टेंट है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि वो किसी मीडियम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एफ अपॉन एफ डैश इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू वन इंटू क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर होल अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू वन इंटू क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। तो सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, जो हमारे पास बचेगा वो सिर्फ के जो एक एक्स्ट्रा टर्म थी वो बचेगी। तो एफ अपॉन एफ डैश इज इक्वल्स टू 1 होल अपॉन 1 अपॉन के। तो अपॉन के अपॉन में टर्म दी हुई है तो वो ऊपर चली जाती है, ये हमको पता है। एफ अपॉन एफ डैश इज इक्वल्स टू हो जाएगा के अपॉन 1। तो ये जो के है ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, जो कि हमारा कंसेप्ट था। ये जो के है इसी को ही हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। और अगर हम इसको टर्म्स में डिफाइन करना चाहें, मतलब कि वर्ड्स में, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल टू, ये जो है ये दो चीज़ों का रेशियो है। किन दो चीज़ों का, फोर्स जो कि एयर या वैक्यूम में काम कर रहे हैं दो चार्जेस के बीच में, और दूसरा फोर्स जो कि दो चार्जेस के बीच में काम कर रहा है किसी और मीडियम में। तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, द डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस इन एयर और वैक्यूम टू द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस इन एनी अनादर मीडियम, जो कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। तो अगर हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी को दूसरे वर्ड्स में डिफाइन करना चाहें तो वो कैसे करेंगे, कि के इज इक्वल्स टू एप्साइलन अपॉन एप्साइलन नॉट, जो कि एक फॉर्मूला है। तो एप्साइलन क्या होता है, एप्साइलन मतलब कि अगर एक फोर्स है दो चार्जेस के बीच में काम कर रहा है तो जो दो चार्जेस हैं वो किसी और मीडियम में प्रेजेंट होंगे, मतलब कि एयर या वैक्यूम नहीं होगा उनके बीच में। उनके बीच में या तो वाटर होगा या ग्लास होगा या कोई सॉल्यूशन या कोई भी मीडियम हो सकता है। और एप्साइलन नॉट जो है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो दो चार्जेस हैं वो उनके बीच में एयर या वैक्यूम प्रेजेंट है। तो डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ मीडियम इज इक्वल्स टू एप्साइलन जो है वो क्या होता है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। तो अगर हम इसको इसकी डेफिनेशन बनाना चाहें या अपने वर्ड्स में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, कि डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ मीडियम इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। तो ये हो गई डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की दूसरे वर्ड्स में डेफिनेशन, जो कि यहाँ लिखी भी हुई है, अगर आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कुछ नोट पॉइंट्स जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं और ऑब्जेक्टिव्स में आ सकते हैं। तो द डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ एनी सब्सटेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो जो डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होता है किसी भी सब्सटेंस का वो हमेशा 1 से ज़्यादा ही होता है, 1 से कम कभी नहीं होता। और जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है मेटल का वो इन्फिनिटी होता है, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है एयर का वो 1 होता है। तो आज की क्लास यहीं तक थी, थैंक यू।